हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी अनुषा नहा रही है कोको के साथ। नॉर्मली मैं हमेशा दोनों को अलग अलग नहलाती हूँ, लेकिन आज मैंने दोनों को एक साथ ही रहना दिया। कभी कभार मैं कोको को पहले नहला देती हूँ, उसके बाद अनुषा को, नहीं तो अनुषा को पहले नहला देती हूँ फिर कोको को। तो अभी आज मैंने दोनों को एक साथ ही नहला दिया है। तो अभी ये सब हो जाने के बाद मैं अनुषा को लेके उसकी नानी के घर पे जाऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरी वीडियो लास्ट तक, बिकॉज अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाऊंगी, बिकॉज आफ्टर मुंडन अनुषा नानी के घर पे जा रहे हैं। तो नानी का रिएक्शन मैं दिखाने की कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। तो उसके लिए आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। सो ऑलमोस्ट एक घंटे बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं अनुषा को लेके रिक्शा में ही आ जाती। फिर उसके बाद जब नानी के घर पे पहुंची, मेरे हाथ में इतना सारा बैग था कि मैं रिएक्शन नहीं ले पाई, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो ड्रेस है अनुषा का, ये बहुत पुराना नानी के घर पर था, लेकिन अनुषा का पहनना मुश्किल हो रहा था बिकॉज़ इसका साइज़ बहुत बड़ा था। आज अनुषा की नानी ने इसे सेफ्टी पिन से पूरा फिट किया है अनुषा को, ताकि उसे एक फ़ोटो खींच सके, और बहुत क्यूट लग रही थी। और जब उसका मुंडन हुआ, इस टाइम क्या होता है, भगवान जी के पास वो जा सकती है, नहीं तो अगर जब तक उसके जो मुंडन नहीं होते हैं हमारे में, तो आप लोग भगवान जी के सामने नहीं जा सकते। तो इसके लिए अनुषा का जो नानी है, अनुषा को तैयार किया, ताकि हमारे छत पे एक शिव जी है, छोटा सा उनका मूर्ति है, वहाँ पे अनुषा जाए और उसको पानी दे, इसलिए अनुषा को ये तैयार किया है। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे वो पानी देती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये कर रही है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए। तो शायद मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा है, अनुषा मेरे साथ ही बैठ के पूजा दे रही है। तो मैंने पहले पहले बहुत मना किया है अनुषा को, ताकि वो किसी चीज़ को भी मंदिर में टच ना करे, लेकिन उसे वो समझ आने में अभी बहुत, वो छोटी है, उसे उतना समझ नहीं है। तो कभी कभार तो वो क्या करती थी, जो भी रोटी या कुछ भी खाती थी भगवान जी को भी जाके खिला देती थी, लेकिन क्या ही कर सकती, वो छोटी है। फिर उसके बाद मेरे घर के जो पंडित हैं, उनको मैंने पूछा अगर अनुषा ऐसे करे तो क्या हो सकता है, बिकॉज़ अनुषा कभी कभार टच कर लेती है, उसके बाद रोटी खिला देती है, फूल देती है, कभी कभार जो भी सामान होता है उसे देके भी छेड़खानी करती है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पंडित जी ने मुझे यही कहा कि अभी उसे ये समझ आने में वो बहुत छोटी है, तो कभी भी तुम उसे फोर्स मत करना ये सब करने के लिए, लेकिन अगर वो करना चाहे उसे मत रोकना, अभी वो छोटी है तो जो करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन तुम कभी मत बोलना कि ये करो। अभी अनुषा का जैसे मुंडन हो चुका है, अभी वो भगवान जी को टच कर सकती है, तो इसके लिए अनुषा की जो नानी है, अनुषा को तैयार किया है ताकि भगवान जी को पानी अर्पण कर सके। तो शायद आप लोग सोच रहे हैं ये शिव जी का मूर्ति छत पे क्यों है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो शिव जी है पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा नीचे से टूटा हुआ है। कोई कोई मानता है कि अगर टूट जाए तो पेड़ के नीचे या मंदिर में रख के आए, तो मेरी मम्मी ने छत पे रखा है ताकि हर सोमवार को वो पानी या फूल से पूजा दे सके। तो हर सोमवार को मेरी मम्मी छत पे आके पूजा देती है, और बहुत छोटा सा है, घर पे भी मूर्ति है लेकिन वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो अनुषा वो शायद पूजा नहीं दे पाएगी, साइज़ में बड़ा है इसलिए। तो अनुषा जब भी छत पे आती है, मेरी मम्मी को पूछती है कि ये क्या है, तो मेरी मम्मी बोलती है कि ये भगवान जी है, नमस्ते करो, वो नमस्ते करती भी है। तो पानी अनुषा दे चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मुझे तो अनुषा को दिखने में छोटा सा पंडित जैसी लग रही है। अभी वो फूल लेने जाएगी, मैंने बोला है तुम फूल लेके आओ, उसके बाद भगवान जी को अर्पण करो,
अर्पित करो, तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रही है ना दिखने में छोटा सा पंडित। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप बच्चे को सामने जाने दें, बिकॉज़ मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। मेरे थ्रू से जो भी वीडियो जाते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप बच्चों को सामने जाने दें भगवान जी को मुंडन से पहले, नहीं तो आप मना भी कर सकते हैं। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, आपको सब कुछ मैंने शेयर किया है, ये हिसाब से मैंने जो भी किया आपको दिखाए भी है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या करना है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो बस इतना ही मुझे बोलना था, तो आप देख सकते हैं और मेरे वीडियो एंजॉय कीजिए। तो फिर उसके बाद अनुषा सो गई थी, हम सब मिलके सो गए थे और उठे शाम के 6 बजे। अभी अनुषा बस में है, हम लोग जा रहे हैं सावन की चूड़ियाँ ख़रीदने। तो शायद बस में आपको क्लियर ना दिखे, बहुत भीड़ थी इसलिए। तो ये जब फ़ोटो देख रहे हैं, ये भीड़ के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, बहुत क्राउड था, तो छोटा छोटा फ़ोटो मैंने क्लिक किया है वही दिखा रही हूँ। तो चूड़ियाँ ख़रीद के आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मी ने मेरे लिए चूड़ियाँ ख़रीदा है। तो वहाँ पे तो बहुत सारा वैरायटीज था चूड़िया का, लेकिन मैंने यही लिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। उसके बाद मैं घर पे आ गई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद इतना तेज़ बारिश हो रही थी बाहर, तो मेरी जो सास है अनुषा की दादी, पकोड़े बनाए थे, तो ये प्याज के पकोड़े हैं और सब लोग बहुत मज़े से खाए। फिर उसके बाद रात को डिनर किया हमने सब मिलके। डिनर करने के बाद अनुषा के पापा भी आ गए थे, 11 बजे तक अनुषा के पापा आ गए थे। उसके बाद हमने डिनर किया और अनुषा ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक जगी थी, उसके बाद सो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर नए हैं तो नीचे रहा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो है आपके पास पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग माई लिटिल प्रिंसेस अनुषा। एंड मेरी नया वीडियो देखने के लिए आप वेट कीजिए कल तक, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।